Exercise 8.1, question number 4, expand करना है हमको binomial theorem के use से. इस expression x upon 3 plus 1 upon x to the power 5 का expansion करने के लिए सबसे पहले हम लोग binomial theorem लिखेंगे. x plus a to the power n is equal to nc0 x की power n plus nc1 x की पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1. इसी टर्म को देख के अगले टर्म लिख देंगे. nc2 x की पावर निकालना हो तो n में से 2 को माइनस करेंगे, n माइनस 2 और a की पावर ये 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncr x की पावर n माइनस r a टू द पावर r प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म ncn a टू द पावर n. लास्ट टर्म में सिर्फ a होगा उसकी पावर n, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर होती है इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना. तो n में से n माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगी, और जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1. तो हमें अपने एक्सप्रेशन x अपान 3 प्लस 1 अपान x की पावर 5 में बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है. तो x की जगह पर x अपान 3 है और a की जगह पर 1 अपान x है, n की जगह पर 5 है. तो इस बाइनोमियल थ्योरम में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. n की जगह पर 5 रखना है, 5c0 x की जगह पर x अपान 3 होल पावर 5 हो जाएगी प्लस 5c1 x अपान 3 की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, a की जगह पर अपना 1 अपान x है उसकी पावर 1 प्लस 5c2 x अपान 3 की पावर 5 है 4 आपकी 3 आएगी, और 1 अपान x की पावर पहले 0 थी फिर 1 हुई आपकी 2 बढ़ती जाएगी. 5c3 x अपान 3 की पावर हो जाएगी 4 3 2, और देख रहे हैं कि x यहाँ पर अपना x by 3 है, उसकी पावर तो लगातार घट रही है और 1 अपन x की पावर लगातार बढ़ रही है. इसमें 0 थी इसमें पावर 1 2 3 3 पावर एंड 5c4 x अपन 3 की पावर घट के अब की 1 हो जाएगी, ना लिख के 1 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 1 अपन x की पावर हो जाएगी 3 के बाद 4. लास्ट टर्म है क्योंकि 5c5 होगा, ये दोनों बराबर हो जाए तो लास्ट टर्म होता है. इसमें पावर 0 हो जाएगी अगले टर्म में तो नहीं लिखेंगे इसको, तो किसी की नंबर पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपान x की पावर हो जाएगी 5. अब हमें इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है. जब ये 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है, ऊपर कुछ भी नंबर लिखा हो x की पावर 5 हो जाएगी और 3 की पावर भी 5 कर दें प्लस यहाँ 1 लिखा है तो ऊपर जो नंबर होता है वही वैल्यू हो जाती है, x की पावर 4 और 3 की पावर 4 इंटू 1 अपान x प्लस, क्योंकि इसकी पावर 1 थी. 5c2 की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, कैसे है ये भी बाद में बताएंगे आपको. x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर भी 3 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 5c3 की वैल्यू भी इतनी होती है जितनी 5c2 की वैल्यू होती है, यानी 10, 5c3 की वैल्यू भी 10. होल अप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 3 स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब प्लस जब इन दो नंबरों के बीच में डिफरेंस 1 का हो तो ऊपर वैल्यू जो लिखी होती वही आ जाएगी, x अपान 3 इंटू 1 की पावर 4 करेंगे 1 और x की पावर 4 करेंगे x की पावर 4 प्लस ये दो नंबर इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर कितनी करेंगे 1 आ जाएगा, x की पावर 5. मन का इंटू करेंगे x की पावर 5 आ जाएगा, और 3 की पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए 3 की पावर 3 कर दें और 3 की पावर 2 कर दें. 3 की पावर 2 9 होता है और 3 के बाद 3 27, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 36 6,
9 to 18 ऐड करेंगे तो आ रहा है 24 यानी 243 प्लस 5x की एक पावर डिवाइड होने पर कैंसिल हो जाएगी, 3 बचेगी। अब बाद में हमें 3 की पावर 4 लिखना है। 3 की पावर 4 के लिए 3 की पावर 5 है हमारे पास, एक पावर यहाँ कम करने के लिए डिवाइड कर देंगे, 3 की पावर 4 करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा 81 होता है। 81 प्लस 10 अपान 3 की पावर 3 यानी 27, x की पावर 3 में से 2 माइनस हो जाएगी, ओनली x बचेगा, प्लस 10 ऊपर है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और x की पावर अपान में 1 बचेगी यानी 1 अपान x, प्लस 5 ऊपर और 3 नीचे है और 1 पावर x की कम हो जाएगी, अपान में x की पावर 3 आएगी, प्लस 1 अपान x की पावर 5। देख रहे हैं ये हमारे इस गिवन एक्सप्रेशन का बाइनोमियल थ्योरम के यूज से एक्सपेंशन है। तो इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।